उमेश पाल को लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद की जेल को बदला जा सकता है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में फिलहाल है। यूपी के प्रयागराज की नैनी जेल से वापस साबरमती जेल में रखा गया है अतीक अहमद को, लेकिन फिलहाल जेल का ट्रांसफर हो सकता है। साबरमती से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। जेल ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। साबरमती जेल अतीक अहमद के लिए कंफर्ट जोन बन चुका है, ये कहा जा रहा है फिलहाल। और साबरमती जेल से निकाला जाएगा अतीक अहमद को, कहा यह जा रहा है कि तिहाड़ भेजने की तैयारी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल यूपी के प्रयागराज की नैनी जेल से साबरमती जेल, गुजरात में साबरमती के अंदर आपको बता दें कि अतीक अहमद को रखा गया है और जेल ट्रांसफर यहां से हो सकता है। इसके लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और इस बार अतीक का नया ठिकाना तिहाड़ जेल हो सकती है, कहा यह जा रहा है। जिस तरह से उम्र कैद की सजा अब अतीक अहमद को मिल गई है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, फिलहाल जिस तरह से पूरा मामला है, लगातार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन भी जारी है। फिलहाल जेल बदलने की तैयारी है वो यहां पर हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अब अतीक अहमद का नया ठिकाना तिहाड़ जेल हो सकता है। हाँ, देखिए बिल्कुल यकीन तौर पर अगर बात की जाए अतीक अहमद की, तो पूर्व में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतीक अहमद जैसे जो माफिया है तो कहीं ना कहीं जेल कई जो अपराध है उसको नियंत्रण करते हैं, और ना केवल नियंत्रण करते हैं बल्कि जो चाहते हैं वो जेल से रहकर ही कर लेते हैं। अभी जो एक वीडियो भी एक सामने आया जिसमें एक पीड़ित ने अपनी बात कही की जेल से कई किस तरह से अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने लड़के को भेजता है वहां पर और उसको धमकाने का प्रयास करता है, उसके बाद जी बिल्कुल अनिकेत। और देखिए, इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि अब अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, इतना लंबा समय है और साबरमती जेल के अंदर क्योंकि अतीक अहमद लंबे समय से बंद है तो वहां पर पूरी तरह से माफिया राज को, जो इस पूरे तंत्र को फैलाने में करीबी हैं, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यही वजह है कि वहां से निकालने की तैयारी फिलहाल है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी और तिहाड़ भेजने की तैयारी चाहता है यहाँ पर प्रशासन। बिल्कुल, देखिए यकीनन तौर पर अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिस तरह से पहली सरकार के बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो मंच के तमाम बार ये बात कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के कोई भी स्थान नहीं है। और उसके बाद से लगातार जो एक्शन मोड था उत्तर प्रदेश सरकार का वो देखने को मिला अपराधियों की बात, और उसी क्रम में कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद है और एक जो उमेश पाल हत्याकांड, जिस तरह से जो एक हालात देखने को मिली, जो स्थितियां देखने को मिली, तो उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से नियंत्रण करने के साथ साथ जो अपराधियों को जो ताबूत है ऊपर आखिरी नकेल ठोकने का जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया, तय कर लिया है। और यही कारण है कि अब जो फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, जो अतीक की जेल जो जेल है उसे शिफ्ट कर सके, उसको लेकर जो अर्जी का जो जो फैसला है वो लिया गया और जल्दी जो अतीक अहमद की जेल। चलिए ठीक है, देखना होगा कब तक तिहाड़ भेजने की जो तैयारी है, अर्जी है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और उसके बाद किस तरह से जेल ट्रांसफर हो पाता है अतीक अहमद का। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।